हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, द फोर्ज, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे फोर्जिंग का काम किया जाता है। फोर्जिंग मतलब लोहे के वस्तुओं को बनाना। जैसे कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो हथियार हुआ करते थे, जैसे चाकू हुआ या तलवार हुई, ये सारी चीज़ें बनाने का काम फोर्ज के अंदर किया जाता था, तहखाने के अंदर किया जाता। उसके बाद में जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी तो फिर इसका यूज़ फार्मिंग के लिए, जब कोई खेती के लिए जो अलग अलग औजार लगते हैं वो उन औजारों को फोर्ज के अंदर तैयार किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है तो इस वक्त में जो फोर्ज होती है उनका यूज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुका है। आज की डेट में अगर आप गांव देहात में भी जाओगे तो वहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है या फिर अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको लोहार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फोर्ज में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से जो फोर्ज है वो जगह आज की डेट में यूज़लेस है या बहुत ही कम यूज़ की जगह हो चुकी है। तो ऐसी जगह से जब पोएट गुजरते हैं तो उन्हें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है कि बचपन में जब वो उसी फोर्ज के सामने से, लोहखाने के आगे से गुजरते थे तो उन सारी मेमोरीज़ को उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं और देखते हैं कि आखिर पोएट इस पोएम में से कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, ऑल आई नो इज अ डोर इन टू द डार्क। अब वो कह रहे हैं कि ऑल आई नो, जितना भी मुझे पता है वो ये है कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो डार्क में जा रहा है, जो अंधेरे की ओर हमें लेके जा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने बचपन की कोई एक मेमोरी याद कर रहे हैं तो उस ज़माने में जब भी वो दरवाज़ा खोलते थे तहखाने का या उस फोर्ज का, तो अंदर अंधेरा होता था। आउटसाइड ओल्ड एक्सेस एंड आयरन हुप्स रस्टिंग। और वो कह रहे हैं कि जो तहखाना था, मान लीजिए इस तरह की एक कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, एक छोटा सा मकान हुआ करता था जिसके अंदर ये तहखाने का काम किया जाता था, लोहे का काम किया जाता था, तो उसके बाहर ओल्ड एक्सल्स रखे जो मशीन के पार्ट होते हैं। तो एक्सल्स का उपयोग ज़्यादातर जो किसान लोग होते हैं वो अपनी बैलगाड़ियों के लिए या अपनी जो हाथ गाड़ियाँ हैं इनके लिए वो उसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो हुप्स होते हैं, तो हुप्स मतलब जो इस तरह के गोल टायर की तरह होता है, जो बैलगाड़ी के पहिए आप मान लो, उस पहिए की तरह की जो चीज़ें हैं वो उस फोर्ज के बाहर पड़ी हुई हैं और वो रस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी उसके ऊपर जंग लग चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में ये जो चीज़ें हैं उसके बाहर रखी हुई वो बहुत दिनों से अनयूज्ड है, बहुत दिनों से उनका कोई उपयोग नहीं हुआ है। तो उसका उसके थ्रू वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फोर्ज है, ये जो जगह है आज की डेट में, ये जगह क्लोज है, यहाँ पे कुछ खास काम नहीं हो रहा है। इनसाइड द हैमर्ड एनविल शॉर्ट पिच रिंग। और अब यहाँ पे जब आपके पुरानी अगर आपकी कुछ यादें हैं तो उस जगह पे जब आप पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ठीक उसी तरह से इनसाइड जब वो अंदर जा रहे हैं उस फोर्ज के अंदर तो उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है हैमर की, जो हैमर होता है जिससे कि आप कीले लगाते हो, इस तरह का जो हैमर होता है उस हैमर की उन्हें शॉर्ट पिच आवाज़ सुनाई दे रही, जो जब आप हैमर से किसी चीज़ के ऊपर, एनविल जो होता है इस तरह से आपने देखा होगा किसी भी लोहार के पास होता है, तो इस एनविल के ऊपर अगर आप हैमरिंग करोगे, हैमर से मारोगे किसी चीज़ को अंदर रख के, तो आपको जो आवाज़ आएगी खट खट की आवाज़, उस तरह की शॉर्ट पिच आवाज़ उन्हें वहाँ पे सुनाई दे रही, या आप कह सकते हो इस तरह की आवाज़ वो खुद को महसूस कर रहे हैं। द अनप्रिडिक्टेबल फैंटेल ऑफ स्पार्क्स। और साथ ही साथ वहाँ पे वो इमेजिन कर पा रहे पुराने ज़माने में जैसे हुआ करता था, अनप्रिडिक्टेबल फैंटेल, फैंटेल मतलब जो स्पार्क्स निकलते हैं जब लोहे का काम किया जाता है, तो जब उस आग में लोहा तपता है तो उसमें से कुछ स्पार्क्स निकलते हैं धीरे धीरे, तो वो फैंटेल की तरह है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूँ, इस तरह से किसी पंछी की जो पूंछ होती है उस पूंछ का जो आकार होता है उस आकार की तरह ये जो छोटे छोटे स्पार्क्स उड़ते हैं वो स्पार्क्स भी वो वहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ वो वहाँ पे सुन पा रहे हैं और हिस व्हेन अ न्यू शूट टफन्स इन वाटर। और साथ ही साथ वो यहाँ पे सुन पा रहे हैं उस आवाज़ को कि जब शू यानी कि जो लोहा होता है उस लोहे को जब आप गर्म करके
उसका आकार देने के बाद जब आप पानी में डुबोते हो, जो लोहार होता है जब वो पानी में डुबोता है तो उसका एक आवाज़ आता है हिस करके, तो वो आवाज़ भी वो वहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। द एनविल मस्ट बी समवेयर इन द सेंटर हॉर्न एज यूनिकॉर्न। और वो कह रहे जो एनविल है, जिसे आप निहाई कहते हो, इस तरह का वो होता है फ्लैट, उसके ऊपर एक सरफेस होता है जिसके ऊपर कुछ भी चीज़ें रख के लोहार उसे हैमरिंग किया करता है, तो वो कह रहे हैं कि जो एनविल है वो समवेयर इन द सेंटर, वो जो पूरी फोर्ज की बिल्डिंग है, फोर्ज का जो पूरा एरिया है उसके सेंटर में, उसके मध्य में उनको एनविल दिख रहा है, निहाई दिख रही है। और वो कह रहे हैं कि वो हॉर्न एज यूनिकॉर्न है, जो निहाई होती है उसका एक जो हिस्सा होता है इस तरह से होता है, हॉर्न की तरह वो आपको दिखता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यूनिकॉर्न के ऊपर एक सिंग होता है, हॉर्न होता है, ठीक उसी तरह से उन्हें उस निहाई का एक सिरा दिख रहा है। और वो कह रहे एट वन एंड एंड स्क्वेयर, और वो कह रहे दूसरे एंड में यहाँ पे उन्हें स्क्वेयर दिख रहा है, चौकोन में या स्क्वेयर आकृति उन्हें वहाँ पे दिख रही है। सेट देयर इमूवेबल, और वो कह रहे हैं कि ये जो निहाई होती है उसे वहाँ पे इमूवेबल फॉर्म में वहाँ पे रखा हुआ है कि वो वहाँ से कभी हिलता नहीं है। और अब ये चीज़ कि वो वहाँ से कभी हिलता नहीं, इसे वो कंपेयर कर रहे हैं अल्टार के साथ। वो कह रहे हैं एन अल्टार वेयर ही एक्सपेंड्स हिमसेल्फ इन शेप एंड म्यूजिक, और वो कह रहे हैं कि वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कोई अल्टार होता है। अभी अल्टार क्या होता है, जब आप किसी चर्च के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि जब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, उस मूर्ति के जस्ट सामने सामने आपको यहाँ पे अल्टार दिखेगा, जो टेबल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो इमूवेबल होता है। भगवान को अगर आप कुछ कैंडल अर्पण करते हो तो आप उस अल्टार के ऊपर रखते हो, अगर आप जो भी आप चढ़ावा चढ़ाते हो तो आप वो अल्टार के ऊपर चढ़ाते हो। अब वो कह रहे हैं कि ये जो अल्टार है वो सॉरी ये जो निहाई है वो उन्हें अल्टार की तरह लग रही है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसे किसी चर्च की तरह कंपेयर कर रहे हैं, तो चर्च की तरह कंपेयर करने का रीज़न ये है कि वो उसे पवित्र मानते हैं, वो उस एक आकृति को, उस निहाई को वो बहुत शुद्ध मानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चर्च के अंदर अल्टार का इम्पोर्टेंस होता है। आगे वो कहते हैं समटाइम्स लेदर एप्रॉन्ड हेयर्स इन हिज नोज ही लीन्स आउट ऑन द जैम्ब। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी लेदर एप्रॉन, जो लेदर के कपड़े होते हैं वो लेदर के एप्रॉन पहन के और हेयर्स इन नोज और उसके नाक के अंदर से कुछ बाल भी बाहर आ रहे हैं इस तरह से ही लीन्स आउट ऑन द जैम। और ही यहाँ पे जो ही वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है ब्लैकस्मिथ के लिए या फिर लोहार के लिए। अभी पहली आठ जो ऊपर की लाइनें थी यहाँ पे वो पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो अगली बची हुई कुछ लाइनें हैं, ये जो छः लाइनें हैं लास्ट की, इसके अंदर वो बात कर रहे हैं ब्लैकस्मिथ के बारे में, लोहार के बारे में। अभी वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे लोहार होता तो परिस्थिति किस तरह से होती। वो कह रहे हैं कि वो चौखट के ऊपर, चौखट से वो बाहर की तरफ लीन आउट करते और रिकॉल्स अ क्लैटर, और वो फिर अंदर जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ों को वो जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं हूप्स की, ऑफ हूप्स वेयर ट्रैफिक इज फ्लैशिंग इन द रोज। और वो कह रहे हैं जो बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, जब बाहर से हूप्स की आवाज़ें आ रही हैं, जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े के पहिए की जब आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ें वो ट्रैफिक में से वो सुनते और देन ग्रंट्स एंड गोज इन, और फिर वो ग्रंट करते जब आप आवाज़ निकालते करके इस तरह से। तो इस तरह से वो जो ब्लैकस्मिथ होता, लोहार होता, वो आवाज़ निकालता विद अ स्लैम एंड फ्लिक टू बीट रियल आयन, और फिर स्लैम मतलब जोर से दरवाज़ा बंद कर देना, और फिर वो जो ब्लैकस्मिथ होता वो जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता फ्लिक के साथ, एकदम तेज़ी के साथ, क्यों टू बीट रियल आयन आउट, क्योंकि उसको अंदर जाके असली जो आयन है, असली जो लोहा है वो उसे शेप देना है, उसके ऊपर उसे काम करना है, टू वर्क द बेलोज। और जो बेलोज होता है, जो जिसमें से आप ऊपर नीचे खींचने के बाद हवा प्रोवाइड की जाती है, तो वो बेलोज के ऊपर काम करने के लिए वो फिर से अंदर चला जाता। तो इस पूरे पोएम के अंदर पोएट ने यहाँ पे इमेजिन किया है
एक सिनेरियो कि आज की डेट में जो फोर्ज है उसका बिल्कुल कोई यूज़ नहीं हो रहा है, और उस फोर्ज के साथ उनकी कई सारी चाइल्डहुड मेमोरीज आज भी जुड़ी हुई है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार अगर इस फोर्ज के अंदर वापस ब्लैकस्मिथ्स आ जाए तो किस तरह से माहौल बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट लिख के मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।